अच्छा ये इसके बारे में बताओ, ये फीमेल के बारे में जो पास खड़ी है, जो मेरे पास खड़ी है। हाँ। अच्छा तो यार ये है हमारी शहजादी, ये है कोको और ये मेरी होम ब्रीड है और इसकी मदर भी मेरे पास है। कोको को ये देखो, ये कौन आ गया है? लो जी ये कौन बाहर आ गया, ये मिस्टी है। हाँ वो मिस्टी है, ये मिस्टी माइलो डॉली लाडो हेजल अंदर ही है। बंटी इसके साथ का एक और भी आपके पास, वो किधर है यार? वो मैं दिखाता हूँ, ये जी मेरे पास है गुड्डू। अब ये थोड़ा गंदा हो गया, बहुत नॉटी बॉय है ये, ठीक है। और ये भी मेरी होम ब्रीड है, ये है माइलो वॉर्म ब्लैकी वॉल, मतलब मेरा मेल जो है, ठीक है। और प्रिंसेस स्वॉर्म चैंपियन बर्क की बेटी, ठीक है। अब जो माइलो है, माइलो HDED DNA ब्रीड सर्वे, सारी चीजें इसकी क्लियर है। अच्छा जी, तो ये है हमारी ऑस्कर, ये ना छुप जाती है कोई भी अननोन पर्सन देख के। तो हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो बंटी सोनू व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? तो आप लोग सोच रहे होंगे आज इंट्रोडक्शन जो है वो सोनू कैसे स्टार्ट कर रहा है। उसकी रीजन ये है कि आज मैं बंटी के सेटअप पे आया हूँ, बंटी के घर आया हूँ, जो भी बंटी की हॉबी है वो आपके साथ शेयर करने। आज सोचा कहीं पे बाहर ना जाएं, अपनी ही हॉबी आप लोगों को दिखाएं। तो चले स्टार्ट करते हैं और बंटी से भी मिलवाते हैं। बंटी के ऊपर छापा मारते हैं ऊपर से, बंटी क्या कर रहा है। हाँ जी बंटी साहब, क्या हाल? चलो जी बंटी से मिलते हैं नीचे जाके, और ये जो हमारे बब्बर शेर हैं इनसे भी मिलवाते हैं। व्यू चेक करो, व्यू चेक करो, सारे पैसे इस व्यू के हैं। चलो जी ऊंचाई से भाई बहुत डर लगता है। टैंटन, हाँ जी बंटी साहब, आज मैंने इंट्रो शुरू कर दिया, ठीक है, और लोग परेशान हो रहे होंगे मैंने इंट्रो क्यों किया। हाँ जी, तो यार सोनू ने जो है ना आज बड़ी जिद की है। सोनू तो मेरे ना खह पिया, कहता यार आज अपना सेटअप दिखाना है, तो मैंने कहा चलो जी दिखा देते हैं। तो बड़ी डिमांड भी आ रही थी कि भाई अपना सेटअप दिखाएं, तो हमने कहा कि चलो जी क्यों ना आज अपना सेटअप दिखाएं। तो आओ आपको दिखाते हैं चीज़ें। ये जो आप एनिमल्स देख रहे हैं, बेसिकली ये एनिमल्स नहीं है, ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब कोई नई चीज़ आ सकती है लेकिन इनका इनकी जगह नहीं ले सकती, और ना तो ये घर से जा सकते हैं। मेरी शुरू से आदत है कि भाई मेरे पास जो चीज़ आ गई है वो मेरी है। मेरे पास जितने एनिमल्स हैं सबकी ट्रीटमेंट मैं खुद करता हूँ और सब हेल्दी हैं, सेफ हैं, खुदा के हुक्म से देखें आप, हेल्थ वाइज भी सब ओके हैं। अच्छा जी, तो हमारे चैनल के ऊपर जो स्पेशल चीज़ होगी वो ये है कि भाई हमारे चैनल पे आपको बहुत सी ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि आपको दूसरे पेट चैनल्स पे नहीं पता चलती हैं, लाइक मेडिकेशन से लेके ट्रीटमेंट तक आपको जो है हम बताएंगे और आपको बड़ा मजा आएगा। लाहौर से लेकर दिल्ली तक जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मजे मजे की वीडियोस लेके आए, ठीक है, अपने जानवरों के साथ, तो कमेंट बॉक्स में हर बंदे ने बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक लाजमी करना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि भाई आज हम आपको स्पेशली जो है ना अपना इंट्रो देते हैं सबसे पहले। तो आप दोनों हमें देख तो बड़ी देर से रहे हैं, ठीक है, तो सीन कुछ ऐसे है कि बताते हैं कि हम दोनों आपस में क्या लगते हैं। तो सोनू जो है ना मेरी मासी का मुंडा है, मैं ऐसी मासी का मुंडा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ जी, तो मैं जी हम दोनों जो है भाई भी हैं, कजन भी हैं, दोस्त भी हैं, और हर चीज ही कह लो, ठीक है, हर चीज हम आपस में शेयर करते हैं, कुत्ताबाजी भी साथ करते हैं, जैसे कि आपने देखा। ये तो अभी जरा नया नया एंटर हुआ है मुझे जो है ना, कुत्ताबाजी करते हुए तकरीबन कोई 13 साल होने वाले हैं। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी यार, ये बंटी, ये वाली जो फीमेल है, ये वाली जो फीमेल है, ये इसके बारे में तो बताना जरा। यार ये है हमारी शहजादी कोको। अच्छा, और आप देख सकते हैं पिगमेंटेशन, एनाटॉमी, कोट देखें जी। ये इसका थोड़ा सा इशू ये है कि ये सर्दियों में अपना कोट शेड कर देती है और गर्मियों में जो है ना इसका कोट जो है ना बहुत ज्यादा आ जाता है, इसका उल्टा हिसाब है। और माइलो का भी कुछ ऐसे ही सीन है, ये अभी सर्दियों में जो है ना क्या कहते हैं इसके ऊपर कम था कोट, अभी ये कोट इसने जो है ना अपने ऊपर लाना शुरू कर दिया है। ये देखें ये कोको देखना रहा है, ये देखें। अच्छा, मेरे पास जो जितने भी जानवर है ना उनका सिनेरियो ये है कि ये सारे जो है ना ये स्टॉक कोट में से निकले हुए हैं। अच्छा, तो इन पे इसलिए इतना ज्यादा कोट भी नहीं है, लेकिन एनाटॉमी वाइज मेरे पास जो जानवर है वो बहुत तगड़े हैं। अच्छा जी, ये बंटी के तीन बब्बर शेर अभी जो बाहर ही हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं जी। बंटी भाई जरा समझाएं। अच्छा ये इसके बारे में बताओ, ये फीमेल के बारे में जो पास खड़ी है, जो मेरे पास खड़ी है। हाँ। अच्छा तो यार ये है हमारी शहजादी, ये है कोको और ये मेरी होम ब्रीड है और इसकी मदर भी मेरे पास है। मदर इसकी स्टॉक कोट है, डॉली नाम है उसका। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि भाई वो है ना हमारे पास जितने जानवर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये बच्चे मैंने पाले हुए हैं और ये बच्चे से बड़े हुए हैं। सिर्फ डॉली मेरे पास अडल्ट आई थी, डॉली भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डॉली का थोड़ा मसला ये है कि वो जरा पंगेबाज है,
तो डॉली का जो है ना कोको के साथ बहुत ज्यादा बैर चलता है। अभी एक फीमेल और भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं, दुरान टिकासा किरिलो की बेटी है। और मसला ये है कि कोको और हेजल की भी लगती है, ठीक ये है। कोको हेजल कौन है मुझे इधर आई, पहले इनका नाम बता यार। आओ यार ये ऐसे नहीं समझ आएगी भाई, ऐसे नहीं समझ आती, मुझे भी नहीं समझ आया। लो भाई ये हेजल है और ये दुरान की बच्ची है, ये लाडो है, हर कहते भी लाडो वाली है। ये जो है ये मेरा दोस्त है शकून, ये उसने मुझे गिफ्ट की थी, पहले रिप्लेसमेंट हुई थी, मैंने तो उसने कॉपी किया था और उसके केवल मुझे ये मिला था। ये डॉली है यार, ये फीमेल की एनाटॉमी बहुत अच्छी है बच्ची। अब ये देख रहे हैं कोको जो है ना, वो देख रहे हैं पंगेबाजी हो रही है ना, पंगेबाजी का क्या रोल है इन लोगों का आपस में यार, पता नहीं क्या चक्कर है, ये आपस में सारे इकट्ठे बड़े पड़े हैं, ठीक है। और अभी तक ये ठीक थे, मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं ये घर जो है मेरा रेंटेड है, ठीक है, और मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई है। इससे पहले जहाँ पे हम रह रहे थे वहाँ पे तो ये सारे इकट्ठे रहते थे, भाईचारा था सब में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके पता नहीं क्या सिस्टम हुआ, सारे आपस में लड़ते रहते हैं। कोको जो है ये तो रहती है मेरे पास नीचे बेडरूम में आना, ठीक है। और माइलो भी, ये जस्ट भी आपको दिखाने के लिए मैं इनको ऊपर लेके आया हूँ, अदरवाइज ये दोनों तो नीचे होते हैं क्योंकि बहुत स्वेयर जो है ना मसला होता है। बंटी से थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, धूप मुझे बड़ी तेज लग रही है, आप लोगों की खातिर खड़ा हूँ। और अगर आप ये देख रहे हो तो ये अंगूठा है, ये अंगूठा अगर वीडियो के लाइक बटन पे दबाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, फ्री है, ऐसा ही है बंटी। हाँ जी भाई। अच्छा बंटी सबसे पहले इधर आ जाए जरा मेरे पास, इधर आओ माइलो। अच्छा बंटी माइलो की लाइंस क्या है? माइलो यार, माइलो है हल्क वर्म बेरेनिकी का बच्चा है। अच्छा स्टोकवर्ड मेल है और मदर लाइन जो है इसकी, मदर है इसकी ब्यूटी वर्म ब्लैकी वॉल। ब्यूटी वॉर्म ब्लैकी वॉल जो है वो है अली शेख, अली मोती के नाम से भी उनको जाना जाता है और बहुत वेल रिप्यूटेड ब्रीडर है GSACP में। जबरदस्त, उनके घर से आया हुआ है। जबरदस्त ब्लड लाइन ये कैरी कर रहा है, ये ओबर की लाइंस कैरी कर रहा है और विगास की लाइन कैरी कर रहा है। और इसके अलावा जितने भी VAs है ना जर्मनी के, जितने जो चैंपियन डॉग्स हैं वो सारे इसके पेडिग्री में आते हैं। जो इसका ग्रैंडफादर है वो विजर्ड वॉन्डर पिस्टी ट्रॉफी है। और इसकी जो दादी है, इसकी दादी भी बहुत जानी मानी जो फीमेल थी। लिंक जो है मैं इसकी पेडिग्री का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूंगा, आप में से किसी को पेडिग्री देखनी आती है तो वो जाके इसकी पेडिग्री चेक कर सकता है। 5 VAs कैरी करता है। जबरदस्त, अब आ जाते हैं इसकी तरफ। ये है माइलो वॉर्म ब्लैकी वॉल, मतलब मेरा मेल जो है, ठीक है, और प्रिंसियस वॉर्म चैंपियन बर्ग की बेटी, ठीक है। अब जो माइलो है, माइलो HDED DNA ब्रीड सर्वे सारी चीजें इसकी क्लियर है। ओ भाई ये बड़ी मुश्किल चीज है। ये GSACP का मेल है और जो इसकी मदर है, मदर भी इसकी HDED DNA ब्रीड सर्वे और डॉग शोज खेली हुई है। माइलो भी हमारा डॉग शोज खेला हुआ है। और कोको जो है ये हमारी यार, ये नॉन पेडिग्री फीमेल है लेकिन किसी भी पेडिग्री फीमेल से कम नहीं है। जबरदस्त हो गया, HDED DNA पेडिग्री VA, ये पता नहीं मुझे ये बातें अभी समझ में नहीं आती, बंटी आपको बताएगा उसके ऊपर फिर नेक्स्ट वीडियो करेंगे। अभी पूछते हैं जो बाकी जितने जानवर रह गए हैं, जितने भी हमारे पेट्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे मिलवाते हैं, इनका आपस में रिश्ता क्या है वो पूछते हैं। डॉली वो जो अंदर स्टॉक कोट है हमारे पास, डॉली की मुझे ब्लड लाइन नहीं पता क्योंकि डॉली जब मेरे पास आई थी वो एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आई थी, ठीक है, और समझ लो कि डॉली जो है ना वो मरने के करीब थी, रेस्क्यू की थी इन शॉर्ट। हाँ इन शॉर्ट आप कह लो कि रेस्क्यू की थी और पैसे दे के रेस्क्यू की हुई है। पैसे दे के भाई रेस्क्यू की हुई है, ऐसे नहीं शौक होते मैं आपको बता दूं। हाँ जी अच्छा जी, मुंह मांगे दाम दिए थे मैंने डॉली के और डॉली की कंडीशन ऐसी थी कि कोई किसी को फ्री भी दे तो वो ना लेता, मैंने इसके पैसे दे के लिया। ये देखो ये कौन आ गया है। लो जी ये कौन बाहर आ गया, ये मिस्टी है। हाँ वो मिस्टी है, ये मिस्टी माइलो डॉली लाडो हेजल अंदर ही है, हेजल का और उसका भी फटा हो जाता भाई। इस टाइम ये जो जानवर है ना, ये जो सारे आपस में रिलैक्स है, इनका कोई फटेबाजी नहीं है, ये खेलते हैं। अच्छा बंटी टोटल काउंट बताना मुझे, टोटल काउंट आपके पास कितना है सिर्फ डॉग्स का? ये डॉली जो है हमारी, ये तकरीबन 7 साल की हो गई हुई है। जबरदस्त, और आपके सामने फिट फाट, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो समझ लो कोई 15 महीने छोटी है उससे, साढ़े को 5 साल की है। जबरदस्त। अच्छा यार मैं आपको एक और बात भी बता दूं, माइलो और कोको की एक फीमेल थी वो हम लोगों ने रोक ली थी अपने घर पे, और वो मेरे घर पे भी किसी दिन बंटी आएगा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा, ठीक है बंटी साहब। यार यार ये देखो यार, ये कहाँ मिलेगा यार भाई,
बंटी ये सारी सफाई सुथराई कैसे मैनेज हो रही है यार? ये तो है यार, यार ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मेरे ख्याल से हमें बात नहीं करने दे रहा। तो ये है जी हमारे पास छोटा सा शॉक, अभी हेजल रह गई है। यार इसके नाटमी चेक करो, जो लोग समझते हैं यार स्टॉक को या नाटमी को या जर्मन शेफर्ड को, यार बेटा वहां पे जाएं। ये देखो जी, ये देखो डॉली। अब डॉली को ना वो बेचारे मौका नहीं दे रहे कि वो अपना ले जाइए। कोई एक और आ गई जी, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज अभी साइड पे जो बेटा लड्डू इधर आ। हां जी, तो ये देखिए जी डॉली है, डॉली इधर ले लीजिए। मेरे पास आई थी, ये स्केबीज की मरीज थी और इसकी बॉडी में से जो है ना जगह-जगह से खून रिसता था। ओह शिट, तो उससे मैंने इसको रिकवर किया हुआ है। और इसके साथ इसके दो बच्चे भी आए थे और इतनी ज्यादा फंगस थी कि वो मेरे कजन ने जो है ना उनको नहलाया, और नहलाते साथ ही थोड़ी देर बाद उनके अंदर ब्लड कितनी डेफिशिएंसी थी एक्सपायर हो गई। यार ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं यार, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। टिशन हो गई, हेजल बाहर आ गई, हेजल की लाइंस। हेजल मुझे अपना पिछवाड़ा करके क्यों दिखा रही है, इसका मुंह तो दिखाओ। चलो हम उधर से आ जाते हैं यार, एक मिनट। ये लो जी, ये हमारे पास फोकस ही बड़ा है भाई, फोकस ही बड़ा है। ये देखो, ये अरी हेजल, ये दुरान की बच्ची है। और अच्छा यार नीचे आ गए हैं। और हाँ जी बंटी भाई, हमारे पास एक ऑस्कर है और ये बहुत शाही है, ऑस्कर अवार्ड वो देखो इसके पास चले। बेसिकली मैं चार लेके आया था और इसमें से तीन जो है वो तकरीबन डेढ़ साल मेरे पास रहकर एक्सपायर हो गई, अभी भी देखें वो पीछे जाकर छुप गई है। अब ये तो अभी फिलहाल इतना गौर भी नहीं कर रहा। इसके लिए देखें जी, ये भी दो बाय दो का मेरे पास एक्वेरियम है, मेरे मामा को बड़ा शौक है एक्वेरियम का। और मैं आपको बता दूं, मेरे जितने जानवर मैं मैनेज करता हूं ये मैं अपनी मामा की मदद से ही करता हूँ, क्योंकि मेरी मामा बहुत मेरे साथ जो है ना इसके अंदर हेल्प करती हैं सारा कुछ करने में। और इसके अलावा मेरी एक छोटी बहन है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है एनिमल लवर है, ठीक है। और पूरा टब्बर ही हमारा जो है ना वो एनिमल लवर है। और इधर तो देखो यार, यार क्या करते हो यार, यार ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी यार, ये कौन है, इसका नाम क्या है? आ जाओ भाई दिखाओ। बंटी इसके साथ का एक और भी आपके पास, वो किधर है यार? वो मैं दिखाता हूँ। ये जी मेरे पास है गुड्डू, अभी ये थोड़ा गंदा हुआ है, बहुत नॉटी बॉय है ये, ठीक है। और ये भी मेरी होम ब्रीड है और तकरीबन अभी ये तकरीबन सवा साल का हो गया है। और ये देखिए जी, अभी कोट बहुत इसने जो है शेड कर दिया, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। और गुड्डू के ऊपर देखिए जी, कोट तो बेबहा है। ओ यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये बंटी साहब ये और कैट्स और डॉग्स कुत्ते बिल्ली सारे इकट्ठे रह रहे हैं यार, मछली छछली ये वो, ये क्या कर रहे हो यार भाई? यार ऐसे नहीं ना होता, आप लोगों को दिखाते नहीं हो, आप लोगों के घर वीडियो करने पहुंच जाते हो अपना घर दिखाते नहीं, बड़ी बुरी बात है यार। देखो यार इससे तो हमने दिखा रहे थे, ठीक है, अब आपको दिखाया तो पूरे पास से दिखाया, इन्फॉर्मेशन दी आपको और शौक आपके भाई ने जो है वो राजी पे किया। मजे की बात ये बंटी के पास कबूतर भी थे। कबूतर वो यार याद आ गया, मेरे पास शरारती कबूतर थे इसका। ये देखिए मेरे पास कुछ पुराने शॉट्स हैं, वो मैं वीडियो में अटैच कर देता हूं, वीडियो में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और वो मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई, ठीक है, और वो तकरीबन छत से ही जो है वो उठाए गए। और इसके अलावा यार ये देखें ऑस्कर के लिए मैंने जो है ना ऑटोमेटिक हीटर फिट किया हुआ है इसके अंदर। इधर आओ जरा सोनू साहब, इधर आके दिखाओ भाईजान, ये हीटर एसी सारा इंतजाम दे रहा है जी। ये ऑटोमेटिक हीटर है और इसके पीछे जो है वो आप देख सकते हैं पंप है, पंप का शोर बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से मैंने जो है अभी बंद कर दिया ताकि वीडियो के अंदर डिस्टॉर्शन ना हो, ठीक है। जबरदस्त बंटी, ये तो वो पहले वाला गुड्डू तो नहीं है ये कौन है भाईजान? ये है चांदनी, चांदनी सबर करो, सबर करो। बताएं। ओहो यार ये कैनेट को देख, ये ना सोनू को देख के जो है ना थोड़ा घबरा रही है। ये जी हमारी मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस, उमर, उमर तकरीबन 12.5 साल, 12.5 साल। और देख के जज नहीं कर सकते चांदनी को, इसकी एज क्या? ये माना इसके बच्चे बुच्चे आए हैं कभी यार? इससे मैंने स्टार्टिंग में लिटर लिए थे कुछ, अच्छा, 2-3। और तकरीबन 8 साल से इसने ब्रीड नहीं की, मतलब मैंने इसको खुद ही नहीं मेट करवाया। अच्छा, तो गुड्डू किसका बच्चा? गुड्डू यार वो एक फीमेल मैंने रेस्क्यू की थी छत से हमारी, वो कुत्तों से बच गई, ठीक है, वो किसी की आ गई थी तो मैंने मल्ले में पूछा, वगैरह भी यार किसी की है तो ले लो, किसी ने जो है उसकी हामी नहीं भरी, फिर वो हमने रख ली।
वो भी बड़ी खूबसूरत कैट है। और भाई यहाँ पे सारा कुछ इकट्ठे ही रहते हैं, कुत्ते बिल्लिये ये वो क्या कहते हैं इनको, मछलिये कबूतर शबूतर। ठीक है बंटी साहब, ये बंटी ने यहाँ पे ना कबूतरों का भी सेटअप लगाया। मैंने नहीं लगाया हुआ मामू, वही ना जंगली कबूतर रहते हैं, बंटी का ही सेटअप हो गया ना। ये बंटी की तरफ आए हैं, चिड़िया भी पाली हुई है, गली भी रखी हुई है बंटी ने, छत भी रखी हुई है। ये देखो मोटरसाइकिल भी बंटी ने पाली हुई है ये सारी। अभी ना ये गुड्डू जो है ना ये कबूतरों को पकड़ने के चक्कर में बैठा हुआ है, बड़ी देर से बैठा हुआ है। ये देखो जी टिंग 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 टिंग। अच्छा जी, तो ये है हमारी ऑस्कर, ये ना छुप जाती है कोई भी अननोन पर्सन देख के। तो मैं चाह रहा था कि आपको जो है ना दिखाऊं, भी लाइट इसलिए ही ऑन की है क्योंकि ना ये लाइट से भी डर के नीचे बैठ जाती है, और फिल्टर और हीटर इसलिए अभी उतारा है क्योंकि फिल्टर का बहुत शोर होता है और हीटर का तो वैसे भी वेदर भी नहीं है, वो मैंने थोड़े दिन में वैसे ही रिमूव कर देना है। ये चार थी, एक रह गई हुई है। हाँ जी, तो कैसा लगा फिर हमारा भाई? अगर तो चाहते हो जानवर ऐड करें, परिंदे ऐड करें, कुत्ते बिल्ली ऐड करें, अपना प्रॉपर जू सेटअप बनाएं और आप लोगों को मजा कराएं, बंटी सोनू व्लॉग्स नहीं भूलना। सब्सक्राइब कर जल्दी से, सब्सक्राइब कर। बंटी वाली जिम्मेदारी आज मैंने हद अदा की, आज मैं वाकई थक गया। हां जी, बंटी की बड़ी हिम्मत है भाई। यार वीडियो को जो है ना लाइक किया करो, देखो बहुत मुश्किल से बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं। और आपको एक चीज बता दूं, जल्दी से जो है ना शॉर्टेस्ट वे में बता देता हूं, मुझे YouTube करते हुए तकरीबन कोई 4 साल होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, 4 साल पे जो है ना YouTube पे खाई खाई है और कोई फायदा नहीं हुआ। पहले मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और फूड जो है और एनिमल्स तो समझ लो कि मेरा पैशन है ना, ठीक है ना, अच्छे से खाना खाना और अच्छे से जानवर रखना। तो भाईजान कोई 2 साल चैनल चलाया था भाई, बड़ी देर 3-3.5 साल चलाया चैनल, किसी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पब्लिक का। ब्लॉग्स भी बड़े अच्छे अच्छे बना कर डाले, ठीक है, लेकिन कोई जो है ना फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे YouTube करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं, और फिर हमने ये एनिमल वाला चैनल बनाया, ठीक है, और हमने जो है ना सोचा कि हम दोनों मिलके काम करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है जो हमारा शौक है वो लोगों को दिखाएंगे। हाँ, तो हमने सोचा कि जो है ना मिलके काम करते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी जगहें ढूंढनी शुरू कर दी। तो डिमांड आई कि भाई जान अपना सेटअप भी दिखाएं, तो सोचा कि आपको भी दिखाएं। तो वीडियो यार अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर एनिमल आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आप चाहते हो कि हम लोग भी मिनी जू बना लें लाहौर में? यार मिनी जू तो नहीं हम बनाएंगे, ठीक है, हम जब भी बनाएंगे क्वालिटी जू बनाएंगे, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी जू के अंदर क्वालिटी एनिमल्स रखेंगे और उनको प्रॉपर तरीके से रखेंगे ताकि आप लोगों को भी देखने का मजा आए, ऐसा ही है जी? हाँ जी बिल्कुल ऐसा। हाँ जी, अच्छा जी, अगर तो आप हमारे सेटअप की ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एनिमल्स की डेली व्लॉगिंग करें, एडिशन करें। हाँ, एडिशन तो जाहिर सी बात है ना, अगर हमें आप सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ दिखा देंगे ना, ऐसी ऐसी चीज़ दिखाएंगे कि भाई जान आप जो है ना कहेंगे कि बस बंटी दोनों को लो ही है, हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। हाँ जी, तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।